प्रेरणा कथा, थोड़ा सा प्रोत्साहन। कक्षा में शिक्षक सभी छात्रों की कॉपियां एक एक करके देख रहे थे। जब उन्होंने वॉल्टर नाम के छात्र से उसकी कॉपी मांगी, उस छात्र ने कुछ सकुचाते हुए अपनी कॉपी शिक्षक के सामने रख दी। उस दिन भी उस छात्र ने काम पूरा नहीं किया था। अधूरे काम को देखकर शिक्षक का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। वॉल्टर, ये क्या है, आज फिर काम पूरा नहीं किया है? तुम कभी भी अपना काम पूरा नहीं करते हो। चलो अब तुम पीछे की पंक्ति में जाकर बैठो। बेचारा वॉल्टर चुपचाप सहमा सहमा सा पीछे की पंक्ति में बैठ गया। आगे की पंक्ति में शिक्षक ने सभी प्रतिभाशाली छात्रों को ही बैठा रखा था। नन्ना वॉल्टर उस दिन शिक्षक की डांट खाकर बहुत ही सहम गया था। उसके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका था। वॉल्टर की मुख्य रुचि साहित्य में थी। उसको गणित और विज्ञान पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। साहित्य से संबंधित सभी चीजों को वो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करता था। उन दिनों रॉबर्ट बर्न्स अंग्रेजी के एक बहुत ही प्रख्यात कवि थे। साहित्य के क्षेत्र में उनके नाम और उनके काम की हर तरफ चर्चा हुआ करती थी। एक दिन सौभाग्य से रॉबर्ट बर्न्स वॉल्टर के घर आए। वो वॉल्टर के परिवार के निमंत्रण पर आए थे। घर में उन्होंने एक चित्र को बहुत ही ध्यान से देखा। उस चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उन्होंने उन पंक्तियों को पढ़ा और फिर कहा, इन पंक्तियों को किसने लिखा है? वॉल्टर उनके पास ही खड़ा था, परंतु वो डर रहा था कि बोले या चुप रहे। शिक्षक की इतनी डांट खा चुका था कि उसमें आत्मविश्वास तो रह ही नहीं गया था। जब रॉबर्ट बर्न्स ने फिर से पूछा, तो वॉल्टर ने उस चित्र के नीचे लिखी पंक्तियां जोर से पढ़कर सुना दी और फिर उसके आगे की पंक्तियां भी अपने मन से सुनाने लगा। रॉबर्ट बर्न्स और वॉल्टर के परिवार के सभी लोग उसको इस तरह से साहित्यिक पंक्तियां बोलते देखकर दंग हो गए। वो बहुत ही शानदार पंक्तियां थी। रॉबर्ट बर्न्स ने आगे बढ़कर वॉल्टर को अपने गले से लगा लिया और कहा, इतनी कम उम्र में तुमने साहित्य के प्रति इतनी रुचि है, तुम्हारी हर पंक्ति संजीदगी से भरी है और बहुत सुंदर है। मैंने इतनी कम उम्र में किसी को भी इतनी सुंदर पंक्तियां लिखते नहीं देखा है। तुम तो विलक्षण प्रतिभा के मालिक हो। तुम एक दिन स्कॉटलैंड का नाम रोशन करोगे और बहुत महान व्यक्ति बनोगे। इतने महान कवि के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वॉल्टर का मन गदगद हो गया। उसके मन में जो संदेह उसके शिक्षकों ने पैदा किया था वो गायब हो गया। उस दिन के बाद वो कक्षा में शिक्षकों और छात्रों के जवाब बहुत ही विश्वास से देने लगा। फिर वो बालक रुका नहीं और अपनी प्रतिभा से सबको हैरान करता रहा। रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा दिया गया थोड़ा सा प्रोत्साहन उसके लिए वरदान बन गया। वही बालक वॉल्टर आगे चलकर स्कॉटलैंड के महान इतिहासकार और उपन्यासकार वॉल्टर स्कॉट के नाम से जाना गया। आज वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी हुई किताबें विश्व के लगभग सभी कॉलेजों में,
अंग्रेजी साहित्य के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। मित्रों, हर बालक या बालिका में कोई ना कोई प्रतिभा होती ही है। ये ठीक है कि उनको स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देनी चाहिए, परंतु उसको उसी शिक्षा में सारा ध्यान लगा देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करना चाहिए। छोटी उम्र में ही अगर बालक या बालिका की प्रतिभा पहचान कर उसको प्रोत्साहित किया जाए तो क्या नहीं हो सकता, जरा सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।